दोस्तों जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कई सारे हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसके मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ, ऑल वेदर रोड की कई सारे जो है काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। लेकिन आज मैं हटकर आपको एक नया प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ, NH 74, जो कि अगर बात करें अभी मैं हूँ इस जगह में, ये NH 74 हाईवे यहाँ पर बन रहा है। आप देख सकते हैं कि टू लेन एक साइड काम हो रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं और आपको कि कैसा काम जो है यहाँ पर चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी ये देखिए, ये पूरा काम चल रहा है सड़क को। जब इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी होंगी, तो जब एक सड़क बनती है तो उस सड़क में सबसे पहले कई लेयर जो है वो मिट्टियों की डाली जाती है। इसलिए डाली जाती है ताकि मजबूत रहे और कई साल तक टिका रहे। और जिस तरह से काम चल रहा है, एक साइड की सड़क आप देख सकते हैं, ये सीमेंट की सड़क है, तो हो सकता है जहाँ पर भी सीमेंट की सड़क बनती है तो वहाँ पर टोल लगा लिया जाता, तो हो सकता है कि यहाँ कहीं भी टोल लगा लिया जाए। आप देख सकते हैं कि एक साइड की सड़क बिल्कुल बहुत अच्छी बन चुकी है और दूसरी जो सड़क है वो बन रही है। सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम सड़क की बात करते हैं तो उसको मजबूती देखी जाती है कि कितनी मजबूत होगी, और मजबूती के लिए कई लेयर मिट्टियों की बिछाई जाती है, वही यहाँ पर की जा रही है। मिट्टियों की लेयर बिछाई जाती है, फिर जो है उसको फिर से पूरा मिट्टी को दबाया जाता है और फिर मिट्टियों की लेयर बिछाई जाती है, वही काम यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरह से सड़क को जो है वो बनाया जाता है, बहुत काम होता है एक सड़क को बनाने में ताकि वो लंबे समय तक टिके रहे, कई सालों तक वो टिके रहे। एक भाई भी हमारे यहाँ साथ हैं जो यहाँ पर काम कर रहे। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन खान है। अमन जी, ये कैसे अभी मिट्टी जो बिछाई जा रही है, लगभग कितनी मिट्टी यहाँ पर बिछाई गई है? सर कम से कम यहाँ 2 मीटर फिलिंग हो चुकी है। 250 की लेयर एक बार में डालते हैं, फिर उसको कॉम्पैक्शन देते हैं, फिर उसके बाद एक लेयर डालते हैं, लेयर बाई लेयर इसको कॉम्पैक्ट करके जो है ये अब तक है सब ग्रेड टॉप है ये। थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए कि लेयर जो आप डालते हैं उसके बाद उसकी टेस्टिंग कैसे होती है? इससे पहले भी मैं देख चुका था, हमारी लैब टीम आती है यहाँ पे FDD चेक करने के लिए, वो उसको पास करती है। अगर 98% कॉम्पैक्शन हो उसी के बाद हम दूसरी लेयर डालते हैं। भाई इस साइड सीमेंट की सड़क है, ये क्यों है सीमेंट की सड़क? ये PQC रोड है। अच्छा। ये जो है PQC रोड जो है सीमेंटेड ही होता है। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है टोल बनेगा बाद में। नहीं, ये भी ऐसा ही बनेगा। अच्छा, ये भी वही सड़क बनेगी? वही है, ये लेयर बाई लेयर चल रहा है काम। अच्छा, कितना टिकती कौन सी सड़क ज्यादा है, ये वाली की जो दूसरी होती है? इसकी लाइफ लॉन्ग ज्यादा होती है। अच्छा, इसकी ज्यादा होती है। कब तक बन के तैयार हो जाएगी ये सड़क? ये जो सड़क है इसमें अभी 2 या 3 महीने और लग जाएंगे। 2 या 3 महीने और लगेंगे। अगर इस पोर्शन की बात करें तो मुश्किल से इसको 15 दिन 15 दिन और लग जाएंगे। बहुत अच्छा है। अमन भाई हमारे साथ थे, देखिए उन्होंने बताया, और लगातार वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सड़क बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। जैसा उन्होंने भी बताया कि लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। हैवी मशीनरी यहाँ पर खड़ी है, ये देखिए इन्हीं से काम चल रहा है। बरसात भी हो रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सड़क का काम चल रहा है, बहुत अच्छा है। लगातार अगर कहें तो केंद्र सरकार सड़कों का एक जाल सी बिछाती जा रही है पूरे देश में ही, उनमें से एक ये भी है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड तो आ ही चुकी है। अगर हम NH 74 की बात करें जो कि हरिद्वार से कुमाऊं तक जाता है, वो भी लगातार बन रहा है और बहुत मजबूत सड़क बन रही है। बस इतना है कि सड़क सही बने, जिस तरह से दिख रही है वैसे ही ना रहे, अच्छी सड़क बने ताकि लंबे तक ये सड़क चले, कई सालों तक चले और किसी को भी परेशानी ना हो। दोस्तों आप सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं लगातार आप लोग के बीच में फिर से एक बार वीडियो लेकर आ रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक में वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और उन्हें पसंद करें। सड़कों का काम लगातार पूरा हो रहा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ NH 74 पे मैं हूँ। आज NH 74 पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किस तरह का काम चल रहा है, और भी दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ और यहाँ पर एक सड़क लगभग वो पूरी हो चुकी है एक साइड की। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह का काम हुआ है। जिस तरह मैं बता रहा था, आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये काम अभी तक एक साइड की सड़क, ये देखिए बोरियाँ यहाँ पर डाल रखी है, क्योंकि सीमेंट का जब काम होता है तो सीमेंट के ऊपर बोरियाँ डाल दी जाती हैं, वही हो रखा है यहाँ पे। सारी बोरियाँ लंबी दूर तक आप देखिए, ये सब बोरी डाल रखी हैं, बोरी बोलते हैं हमारे यहाँ तो, बोरी ही बोलते हैं जिनमें जो है राशन आती है, वही बोरियाँ यहाँ पर डाल रखी हैं। वो देखिए दूर तक देखिए बोरियाँ डाल रखी हैं, और दूसरा तरफ जो है अभी वही सड़क है, नॉर्मल सड़क। जल्दी वो सड़क भी बन जाएगी, 2 लेन इस साइड होगी और 2 लेन सड़क जो है इस साइड होगी, और तब फर्राटे के साथ जो ये गाड़ियां हैं ये और जल्दी जाएंगी, टाइम भी बहुत कम लगेगा। आप देख रहे हैं कितना अच्छा काम यहां पर हो रहा है, और बस टिकना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह से उन्होंने बताया था कि 2 मीटर नीचे पहले जो है मिट्टी की लेयर बनाई गई, तो उसके बाद आप देख सकते हैं 2 से 3
मुझे लग रहा है 2.5-3 फीट तो लगभग होगा ही, क्योंकि दिख रहा है तो अंदर नीचे भी इतना ही होगा। तो 2.5-3 फीट के करीब इन्होंने यहाँ पर सीमेंट की जो है वो आप देखिए सीमेंट भी बिछा रखी है, ताकि ये सड़क लंबे कई सालों तक टिकी रहे। जो ये NH-74 है उसमें जो सड़क बनाने का काम चल रहा है। मौसम बड़ा सर्द है और साथ ही बरसात भी हो रही है, बरस भी रहा है मौसम। उसके साथ ही अगर आप देखें तो मज़दूर लगे हुए हैं, उसको ऊपर से प्लास्टर की जा रही है, क्योंकि ये पूरी सीमेंट की रोड है तो प्लास्टर किया जा रहा है। हैवी मशीन, अगर आपको मैं आगे दिखाऊँ, ये देखिए प्लास्टर इसी तरह से प्लास्टर किया गया है और उसके बाद उसको ढका जा रहा है, क्योंकि प्लास्टर ख़राब ना हो। जिस तरह से बरसात हो रही है तो प्लास्टर ख़राब नहीं होना चाहिए पहले ये। उसके बाद जो है इस तरह से बोरियां लगा दी जाएंगी, ये देखिए इस तरह की बोरियां लगा दी जाएंगी। शायद ये मशीन को चलाने वाले जो लोग हैं वो आराम से सेक रहे हैं अपने, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो वो बोरियों को ही जला रहे हैं, बोरियों को ही सेक रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह की ठंड हो रही है, ये देखिए ये मशीन जो है जब सीमेंट को डाला जाता है ट्रकों में, पूरा का पूरा केमिकल सीमेंट मिक्स होकर आता है और उसके बाद बिछा दिया जाता है। ये देखिए इस तरह से बिछा दिया जाता है यहाँ पर, ये देखिए। और उसके बाद ये जो ट्रक, ये जो पूरी मशीन है, ये इनको मतलब बोले तो एक तरह से बिल्कुल समतल कर देती है, एक लेवल में ले आती है। क्योंकि तभी तो कहेंगे कि सड़क जानदार है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सड़क में, बिना रुके बिना गड्ढों के सड़क में गाड़ियां तेज़ी से दौड़ रही हैं। और यही ज़रूरी है, एक सड़क की पहचान तो इसी से होगी ना कि कितनी वो पूरी तरह से समतल। और तो ये मशीन ये काम करती है, देखिए लगातार काम चल रहा है। बरसात हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है।